ये थोड़ा सा शिफ्टिंग खराब। और थ्री स्टार्ट, चल मैं आप लोगों को कराता हूँ इसको 0 to 100 एक्सलरेशन टेस्ट, ठीक है? और सुन लो, देखो भाई कितनी अच्छी वीडियो जा रही है, बहुत बदमाश गाड़ी लगती है, बहुत शानदार लुक लगती है। अभी यहाँ से खींचते हैं भाई बाइक को। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। और भाई इतने डिमांड आती थी कि सोनू भाई MT-15 क्यों नहीं ला रहे हो, तो भाई आपके सामने खड़ी है भाई MT-15 यामाहा की। और भाई आज इस पे करेंगे वीडियो, सब कुछ दिखाऊंगा भाई इसकी। सबसे पहले तो भाई आगे से लुक देखो कैसी लग रही है भाई, बहुत बदमाश गाड़ी लगती है, बहुत शानदार लुक लगती है। देखो भाई इस वाली बाइक की काफ़ी डिमांड थी। ये R15 की नेकेड वर्जन है भाई, ये समझ लो। पावर टेस्टिंग कराऊंगा, थोड़ी बहुत व्हीली दिखाऊंगा, काफ़ी कुछ बताऊंगा भाई बाइक के बारे में। तो चलो भाई चलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर भी टेस्ट करेंगे और लुक आप लोग देख लो भाई पहले ओवरऑल, बाकी आप लोग एक बार चलने की भी शॉट मिल जाएगी। तो चलो भाई बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, जो सबसे पहला इसका मीटर का व्यू हमें देखने को मिलता है वो है भाई इसका नेगेटिव डिस्प्ले, ठीक है? ये देखो ऑन कर रहा हूँ, ये देखो भाई ये नेगेटिव है, यहाँ पर नाम वगैरह कर सकते हैं चेंज। यहाँ से सुन लो, ठीक है, आवाज़ तो मैंने सुना दी आप लोग को। फर्स्ट गियर पे बाइक है, फर्स्ट गियर 44, ये सेकंड गियर 65। भाई एक्सेलरेशन काफ़ी अच्छा है, देख रहे हो भाई एक्सेलरेशन कितनी मस्त खींच रही है। ओए होए 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 होए, ऐसा लग रहा है ना, मतलब थ्रिल है भाई, मतलब पावर बहुत अच्छी आ रही है, मतलब जैसे KTM ड्यूक खींचती है ना उस टाइप से खींच रही है, पर इसकी एक्सेलरेशन थोड़ी सी मुझे और ज़्यादा क्विक लग रही है। रीज़न पता है क्यों? क्योंकि बाइक काफ़ी हल्की है, ठीक है? थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैफिक है, नहीं तभी मैं आपको भगा के दिखाता। एक बार देखो भाई यहाँ पे थर्ड सेकेंड, ये फर्स्ट गियर है, फर्स्ट गियर देखो 44, सेकेंड गियर 65, थर्ड गियर 90। तो भाई 90 तक तुरंत जा रही है यार, मतलब मुझे लगता है कि 130 तक आराम से जाएगी बाइक। ओए होए 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 होए, यार क्या चल रही है बाइक। शानदार शानदार, नेक्स्ट लेवल। और वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं है यार बाइक पे, बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है। तो इसकी अगर आप लोग के पास MT-15 है, ठीक है भाई, इस पे ये वाला जो हैंडल बार है ना भाई, ये FZ जैसा हैंडल बार है, और यही वाला हैंडल बार मैंने अपने स्टैंड मशीन पे लगाया था। अभी यहाँ से खींचते हैं भाई बाइक को। ये क्या कर रहा, देखो पूरा 360 घुमा लिया भाई इसने। की ड्रैग रेस ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे और थोड़ी सी करेंगे, क्योंकि तो भाई ने हेलमेट भी नहीं पहन रखा है, बस आप लोग के लिए थोड़ी सी पावर टेस्टिंग देखेंगे कौन सी आगे निकलती है, ठीक है? 0 to 100 की रहेगी ड्रैग रेस, तो भाई ध्यान से, ठीक है ना? 1 2 3 स्टार्ट, चल। देखो भाई बुलेट कितनी आगे है, देखो तो एक बार अभी रनिंग में करेंगे, अभी करेंगे रनिंग में, ठीक है? पहला गियर डालो चलते चलते, फर्स्ट गियर ना, रुको 1 2 हॉर्न मारेंगे, रोक देना 1 2 3 स्टार्ट, चल। तो भाई देखो बुलेट ने MT-15 को पिछाड़ दिया, ये थोड़ा सा शिफ्टिंग खराब। बस बस, तो भाई MT जो कि बुलेट को पिछाड़ रही है 80 के बाद में, ठीक है, अच्छी पावर है यार। आज बुलेट और MT की भी रेस हो गई, मज़ा आ गया। इस पर भी VVA टेक्नोलॉजी है, देखो 7000 RPM के बाद टक से आवाज आती है, टक। ओ बहुत है क्विक है, बहुत क्विक है।
तो बता दूं भाई ये है 18.5 BHP की, बट यार पावर मस्त है, मतलब 220 को टक्कर दे देगी ऐसा मुझे लग रहा है स्टॉक 220 को। अभी आप लोगों को कराता हूँ इसका 0 to 100 एक्सलरेशन टेस्ट, ठीक है। 1 2 3 गलत हो गया भाई लॉन्चिंग, देखे ये लॉन्चिंग गलत हो गया। व्हीली छोटी अगर उठे तो ठीक रहेगी लॉन्चिंग, अगर व्हीली ज़्यादा उठती है तो लॉन्चिंग ख़राब है। ये सही है, देखो भाई 0 to 100 की तैयारी में जा रही है, ये परफेक्ट शिफ्टिंग के साथ है एकदम भी भाई, पूरा 100% परफेक्ट है। ओए 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 ओए, परफेक्ट शिफ्टिंग, तो 0 to 100 का भाई आप ही लोग देख लो भाई कितने देरी में गई है। एक आध छोटी छोटी आप लोगों को व्हीली करके दिखाता हूँ इस पे। तो भाई आपने व्हीली और बोलिंग टॉपी ड्रिफ्टिंग सब कुछ भाई सर्कल में थोड़ा थोड़ा इंजॉय करा होगा, एक बार आप लोगों को इस वाले एंगल से इंजॉय करवाते हैं भाई व्हीली, ठीक है। उसके बाद भाई फिर चला जाएगा, व्लॉग को ख़त्म करा जाएगा। देखो भाई कितनी अच्छी व्हीली जा रही है। ओए ओए, तो विली यार काफी मस्त जाती है इस पे। ओए होए होए होए, मतलब परफॉर्मेंस की बात करूँ तो काफी शानदार परफॉर्मेंस, मैं इसको 10 out of 10 देना चाहता हूँ भाई, ठीक है। तो एक बात बताऊंगा भाई, इस पे आप लोग R15 V3 का स्प्रॉकेट डाल लो कंप्लीट सेटअप आगे पीछे, फिर भाई आप लोग नीचे कमेंट करके बताना क्या फ़र्क पड़ा। ये बात आपको किसी ने नहीं बताई होगी, जाओ भाई एक बार ट्राई कर लो R15 V3 का चेन सेट डाल के, ठीक है, आप लोगों को पता लग जाएगा भाई फ़र्क क्या फ़र्क आ रहा है, ज़रूर ट्राई करो भाई। साइड शेड लगाने से बाइक बंद हो जाती है, यहाँ से देखो मस्त लग रही है यार, मतलब आगे से देखो डाकू लग रही है, डाकू गुची वाला साहब भी बना हुआ है। और इस पे जो टायर्स आ जाते हैं वो 140 आते हैं। तो भाई इस पे और व्लॉग देखना चाहते हो कमेंट करना, और व्लॉग आ जाएंगे। तो वीडियो को यार भाई यहाँ पे करते हैं ख़त्म, वीडियो को लाइक और चैनल को भाई सब्सक्राइब ज़रूर करना, छोटी सी वीडियो थी। टिल देन बाय बाय, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल।